इस समय हमारे साथ डॉक्टर कफील खान है, जिनको 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जब बच्चों की मौत हुई तो दो दिन के लिए हीरो बनकर उभरे, नायक बने, लेकिन उसके बाद फिर खलनायक बने और अब एक दिन पहले ही नायक बनने की स्थिति में आ चुके थे, लेकिन फिर से खलनायक की परिस्थिति में आ रहे हैं। क्या कहना है इस पर? अब इस पर क्या करें, अभी तो खुश हूँ और मैं खुश रहना चाहता हूँ। कुछ दिनों तक बहुत माइंड जो है ना थक चुका है। इतना ज़रूर है कि मुझे पता है कि मैंने कोई गलती काम नहीं किया है और मुझे भी पता है कि मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जी, कल से एक रिपोर्ट चल रही है, जो आपने कल बताया भी था कि दो मामलों में आपको दोषी करार दिया गया, बाकी दो मामलों में आपको बरी किया गया है। उन दो मामलों में जिसमें आपको बरी नहीं किया गया, वो कौन से मामले हैं? और खासकर डॉक्टर कफील, आपसे सवाल यह है कि खासकर जिन दो मामलों में आपको दोषी करार दिया गया उसमें ये कहा जा रहा है, कि एक प्राइवेट प्रैक्टिस थी और दूसरा नर्सिंग होम चलाने का, तो इसको लेकर इसकी कुछ सफाई देना चाहेंगे आप? देखिए, ये पहला आरोप का आंसर खुद इंक्वायरी ऑफिसर ने दिया हुआ है। उसने कहा है 8 अगस्त 2016 के बाद ये प्राइवेट प्रैक्टिस करने का कोई आरोप इनको पर सिद्ध नहीं होता है। 8 अगस्त 2016 के पहले करते हुए तो आपको ये दिखा दूं कि मैंने 8 अगस्त 2016 को यूपी गवर्नमेंट ज्वाइन किया है, उससे पहले क्या करते थे, उनसे क्या मतलब है, उसके लिए जेल भेज दोगे, उससे उस इंसिडेंट से क्या वो है? अच्छा, आपका मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, उसके प्रोसेस के बारे में बताइए कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा हुआ? ये तो विभागीय जाँच थी जिसमें आपको दो मामलों में बरी किया गया, उसके अलावा शासन की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि फिर से सस्पेंड कर दिया गया है, तो इसको लेकर अगर कुछ? मेरे पास 308 का मुकदमा चल रहा है, यानी कल्पेबल होमिसाइड, मैंने गला दबा दबा के 70 बच्चों को मारा है। जी, इसके अलावा एक और सवाल, जो पीएम मोदी अभी हाल ही में मथुरा गए थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि सीएम योगी लगातार लोकसभा में बच्चों की मौत का मामला उठा रहे थे बहुत दिनों से, अब जाकर जब योगी की सरकार बनी है तो अब वहाँ पे बच्चों की मौत नहीं हो रही है, इस मामले पर आपका क्या कहना है? वो पुरानी कहावत है, भाई भाई चट्टे बट्टे कुछ होते हैं। अब आपकी जो तीन प्रमुख मांगे, जो आप लगातार पीसी में भी आपने ये बात कही, वो तीन मांगे क्या है आपकी? मेरी देखिए, तीन मांग जो इस मेन मांग है कि अब जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट से भी ये सिद्ध हो चुका है कि मैं उस रात बच्चों की जान बचाने की कोशिश की और सिलेंडर लाया, तो मुझे मेरी नौकरी वापस कर दे, मेरी इज्जत मुझे वापस कर दे, एक CBI इंक्वायरी हो या फिर कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी हो उत्तर प्रदेश स्टेट से बाहर, और योगी गवर्नमेंट पब्लिकली एक्सेप्ट करे कि गलती हो गई है, उन 70 बच्चों के पेरेंट्स को कुछ कंपनसेशन दिया जाए। इसके अलावा एक और बात जो चल रही है कि आप जिस तरह से बिहार में आप गए जब वहाँ पे चिमकी बुखार से बच्चों की मौत हो रही थी, इसके अलावा आप हाल ही में जो तबरेज अंसारी उनकी वाइफ से मिले, आप अगर देखें तो डॉक्टरी से कहीं ना कहीं हट के लोकल समाजों के बीच जा रहे हैं, समाज के बीच जा रहे हैं और वहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। क्या आप अभी जैसा आपने कहा कि फिर से हम डॉक्टरी में जाना चाहेंगे, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं लोग आपको एक नेता के तौर पर देखना चाह रहे होंगे, या क्या कोई प्लान है? देखिए, ये लोगों की मदद करना और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाना ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारा देश बना था इंडिया, वो इस बेस पे बना था कि प्लूरिज्म, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, कम्युनल हारमोनी साथ रहेंगे, कभी एहसास नहीं हुआ था। पर इतनी जहर घोल दिया गया है आज के कि इंसान को इंसान पे, मतलब लोगों को जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटा जा रहा है। उसके खिलाफ, उस RSS की आइडियोलॉजी के खिलाफ, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं आप मोदी जी और योगी जी का इतना विरोध क्यों करते हो, तो मैं उनसे कहता हूँ ना मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ ना मैं योगी जी का, मैं उस RSS की आइडियोलॉजी का विरोध करता हूं जो इंसान को इंसान से बांटती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कफील बात करने के लिए।